प्रिय साथियों, कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया है तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। हम तो कहते हैं पाप करना ही क्यों चाहिए। अगर भगवान ने आपको दो वक्त की रोटी, प्यार करने वाला परिवार और जीने के लायक पैसा दिया है, मैं नहीं समझता कि उसके बाद पाप करके और पैसा कमाया जाए या किसी की जिंदगी में दखल देकर खुद की खुशियां ढूंढी जाए। क्या जरूरत है इधर की बात उधर करके, ईर्ष्या चुगली निंदा करके हम पाप कमाएं। अच्छा भला जीवन चलता है, लेकिन इंसान को चैन नहीं है। दूसरों के मामले में दखल देकर, दूसरों की प्रगति से जलकर, दूसरों की खुशियों से जलकर कुछ नहीं तो टांग खींचकर, चोरी करके, बेईमानी करके दूसरे का पैसा हजम करते हैं। तमाम तरह की घटनाएं विचलित करती हैं। मासूम लड़कियों पर तेजाब फेंक कर उन्हें जलील करके उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं, अपने भरोसे में लेकर उनके साथ दुराचार करते हैं, यौन शोषण, बाल अपराध, न जाने कितने ही तरह के पाप करते हैं। हाँ, मंदिर में जाकर बहुत सारा धन दान करते हैं, बहुत ही बड़ा सा फूलों का हार पहनाते हैं, महंगा वाला प्रसाद अर्पित करते हैं, पुजारी को भी खूब दान दक्षिणा देते हैं, क्योंकि पाप को बैलेंस करना होता है और भगवान मुस्कुराता है। वाह रे इंसान, एक तरफ मुझे अंतर्यामी बोलता है और दूसरी तरफ मेरे सामने खड़ा होकर ही मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। सच में कभी कभी सोचता होगा ऊपर वाला भी कि क्यों मैंने यह इंसान बनाया, यह सोचकर तो नहीं बनाया था कि यह ऐसे ऐसे काम करेगा। हमें पता है कि इनका फल अच्छा नहीं होगा, फिर भी हम जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। हाँ, अगर दूसरी तरफ हम भलाई कर रहे होते हैं और गलती से हमारा कोई पाप हो जाता है या फिर किसी को गलती से कष्ट पहुंच जाता है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वह अनजाने में हुआ है, हमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। कर्ण अर्जुन से अनुमानत कुछ वर्ष बड़े तो थे ही, धनुष बाण ठीक से चला लेते थे, किंतु जब वे शिक्षा के लिए गुरु द्रोण के पास गए, उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। चूंकि उनको योद्धा बनना था, इसलिए उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने की योजना बनाई। दानवीर ने यहां से छल का सहारा लिया, अपनी पहचान बनाकर उन्होंने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। परिणाम आपको पता है, वो विद्या उनके काम ना आ पाई, ये पाप ही तो था। जब एक व्यक्ति जुए में अपना परिवार हार गया, वहां आप उसकी पत्नी को अपशब्द बोले तो ये पाप है। जब अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तब कर्ण ने उसके पुत्र को घेर कर मारा, ये भी तो योजना ही थी, इसलिए ये पाप हुआ। याद रखें, सामान्य इंसान से किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, भले वो कितना भी बड़ा दानवीर ही क्यों ना हो। रावण जैसे ज्ञानी को एक पाप ने इंसान से राक्षस बना दिया। अगर कुछ करना ही है तो पुण्य किया जाए, भक्ति की जाए, किसी का बुरा करने से क्या मिलेगा। अगर कर्ण अर्जुन का बुरा नहीं सोचते, उससे घृणा नहीं करते, तो कदाचित उनको महान मान लिया जाता। कोई भी एक कार्य महापाप नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन प्रतिदिन अनगिनत परिस्थितियों से गुजरता है और उन परिस्थितियों अनेक निर्णय लेता है। उन निर्णयों की नैतिकता के आधार पर कोई कार्य पुण्य या पाप की सूची में रखा जा सकता है। मेरे व्यक्तिगत मत से किसी को जानबूझकर पीड़ा देना, हृदय तोड़ना महापाप है, और किसी भी पाप का फल पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ता है, यह निर्भर करता है आने वाली पीढ़ियों के कर्म पर। और किसी भी पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, आपको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, यही परम सत्य है। हां, बस जीवन में अध्यात्म और भक्ति होना पीड़ा को कम कर देता है और शक्ति देता है अपने ही कर्म को निभाने के लिए। व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी, तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं,
तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य बैड लक को सौभाग्य गुड लक में बदल सकते हैं। यहां जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंध में महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई। हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। सुखदेव बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को रोज आटा डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। फिर इन सबका पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दें। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। इसका मतलब यह है कि एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है, किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे। जो हमने कमाया वो व्यर्थ था, उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहां परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें, ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलंब नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नजर में साधु हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं, उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया? हमसे कहां कहां कब पाप हुआ? आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे, वह शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थिति प्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है। पृथ्वी पर जो भी आया है वह कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। कर्म करते हुए जाने अनजाने कई बार हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो पाप भी हमारे खाते में आ जाता है। पाप को दुखों का कारण माना गया है। पाप के कारण ही मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। इस चक्र से छूटने के लिए जरूरी है कि पाप कर्म के बोझ से मुक्त हुआ जाए। इसके लिए शास्त्रों में आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ, दान और व्रत जैसे कई विधान बनाए गए।
त्रिविधं नरकसंयदा द्वारा नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। इसमें कहा गया है कि परमपिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य व यहां तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ व सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार माना है। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खडेढ़ा है तथा आत्मा के अधोगति यानी अवनति की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है व परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, ज्यानिक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाही तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया गया परंतु गज। परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि यह सत्य होगा कि नहीं परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता द्युष्टद्युम्न ने खड्ग तलवार से उनका मस्तक शीश विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तुनीरों, तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में खंडित कर दी।
अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन जल बंधन की कला जानता था, सो जिस सरोवर के निकट गदायुद्ध हो रहा था उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और जल को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। समस्त पांडव दल विजय की प्रसन्नता में मतवाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत जटिल एवं संशोधित रूप है। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस पतित कर्म की सभी ने निंदा की, परंतु दुर्योधन मृत्यु से पहले अश्वत्थामा के इस कार्य से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। पांडव शिविर के बाहर अश्वत्थामा को भगवान शिव के एक उग्र और डरावने रुद्र रूप का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने निडर होकर अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे एक शक्तिशाली दिव्य तलवार प्रदान की और अपने पूर्ण रूप में अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से अजेय बना दिया था। दूसरी ओर श्रीकृष्ण ने अपनी योग शक्ति से पहले ही भांप लिया था कि उस रात पांडव शिविर में क्या अराजकता होने वाली थी, इसलिए पांडवों और सात्यकी को अश्वत्थामा के विनाशकारी क्रोध से बचाने के लिए श्रीकृष्ण उन्हें पहले ही शिविर से दूर ले गए थे। पुत्रों के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के मस्तक को विच्छेदित कर डालने को प्रतिज्ञाबद्ध हुआ और श्रीकृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन को लक्षित कर शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मशिर चालन से तो अभिज्ञ था, परंतु निष्क्रमण लौटा लाना से अनभिज्ञ था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्रीकृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं, आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर किस ओर से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे प्राण घोर संकट में है, इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मशिर अस्त्र लक्षित कर दिया। दोनों प्रलयंकारी एवं विनाशकारी ब्रह्मशिर अस्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा दग्ध होने लगी। इस महाविनाश को देख वेद व्यास और नारद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटाकर शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए गुस्से में उसने अपने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी। यह कृत्य देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में झपट कर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्रीकृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा निद्रामग्न असावधान मतवाले पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक का वध धर्मानुसार वर्जित है। इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका विच्छेदित मस्तक द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। वास्तव में श्रीकृष्ण यह देखना चाहते थे कि उनकी बातें सुनकर अर्जुन आगे क्या कदम उठाता है, किंतु श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुनने के पश्चात भी धीरवान अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया।
उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उसका वध पाप है। इनके पिता से ही आपने इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञानार्जन किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तक से वह शक्तिशाली दिव्य मणि का भी विच्छेदन कर डाला। मणि विच्छेदन से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने एक निर्दोष स्त्री और उसके अजन्मे शिशु को मारने की कोशिश की थी, किंतु केश मुंड जाने और मणि विच्छेदन से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से निष्कासित कर दिया। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को कई हजार वर्षों तक यह शाप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त दिया है, उसी तरह तू भी अपने इस अमूल्य मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहेगा। तू मृत्यु मांगोगा, किंतु तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे। गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूं तथा आपकी शरण में हूं। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह राय दीजिए। यदि मुझे कोई सारी पृथ्वी का राज्य प्रदान करे तथा देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र का शासन भी प्रदान करे, तो भी युद्ध करके पाप का भार सिर पर रखना नहीं चाहूंगा। अर्थात मुझे कोई कितना ही लालच दे, परंतु मैं नहीं देखता हूं कि आपकी कोई शिक्षा मुझे शोक मुक्त कर देगी अर्थात युद्ध के लिए तैयार कर देगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। यह नहीं है कि हम तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे, इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख, और हम तुम ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्णा आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है, तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। अनजाने में हुआ किसी भी तरह का पाप की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पाप तो पाप ही होता है।
जिस तरह अनजाने में कटे हुए बिजली के तार को पकड़ने से करंट लगता है और आप घायल हो जाते हैं, तब इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, क्योंकि इलाज तो कराना ही है। इसी प्रकार अगर अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो इस इंसान के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का पाप कभी नहीं करूंगा, और जिसके प्रति पाप किया है उसकी मुसीबत के समय सहायता जरूर करें। अनजाने में हुए पाप को ईश्वर भी माफ कर देते हैं। प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर में लग गया। शिष्यों ने उनके सिर में से खून निकलते हुए देखा और पूछा, भगवान ये अचानक कैसे हुआ? महावीर जी ने कहा कि मेरा यह अंतिम अपराध था जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था, यह पत्थर आज लौट कर आया है। अब मैं इस भार से भी मुक्ति हुआ। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित करने का दिन है। दोनों ही धर्मों के इस नियम या परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी शामिल किया गया है। ईसाई धर्म में इसे कन्फेसस और इस्लाम में कफारा कहा जाता है। हालांकि ईसाई धर्म में कन्फेसस या कन्फेस को स्वीकार करना कहते हैं। यह प्रायश्चित का ही एक रूप है जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करना है या प्रायश्चित लेता है, तब उसके पाप क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन यदि वह वही पाप या अपराध बार बार करता है कि तो फिर उसे दंड भुगतना ही होता है। दंड और प्रायश्चित में यह भेद है। अपने पाप का प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप होता है, प्रायश्चित लेने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होता है। वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरी लगन से पालन करता है, तदुपरांत सदाचारी बन जाता है। इसके विपरीत केवल अपने अपराध सबके सामने बताने से अथवा दंड भुगतने से कोई व्यक्ति अपने आप को वैसी चूकें दोहराने से रोक नहीं सकता। अपराधी व्यक्ति जो अपने अपराध के लिए दंडित होते हैं, उनमें अधिकांशतः अंत में कोई सुधार नहीं दिखता, क्योंकि ना तो उन्हें पश्चाताप होता है और ना ही वे अपने अपराधी कृत्यों के भयानक परिणामों के प्रति सतर्क हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के एक मोड़ पर भयानक दंड का सामना करना होता है। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्तिपूर्वक उनका नाम जप करते हैं तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे और कभी भी ऐसी गलती वापस न करें और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें। साथ ही हमेशा अच्छे कर्म और धर्म करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेद व्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती हैं। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है। वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर ऐसे ही कुछ चरित्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं महाभारत कथा का हिस्सा हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती हैं। श्री कृष्ण की देखरेख में अर्जुन ने जितने भी निर्णय लिए वो विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करने के अच्छे उदाहरण हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण के चरित्र की मदद से आप अपने बच्चों में भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सकते हैं। तो चलिए, महाभारत की कहानियों की मदद से कुछ हमारा भी कल्याण कर ही लेते हैं। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद थे और उनकी दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि के तरफ ज्यादा था क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी
लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफी घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीति दुखी रहती थी, इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बिताती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गए। वह अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहां छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई। राजा के गोद में ध्रुव को बैठे देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी ने ध्रुव को राजा के गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी मां के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख मां काफी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। ध्रुव की बात सुनकर मां के आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। मां की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने झगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगलों की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा, ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और अब वह वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें राज सुख मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चले गए। बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा जरूरी पूरी होती है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता पुराण में एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने को मिलती है, राजा परीक्षित की कहानी। परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके पांचों बेटों की हत्या कर दी है, तो उसने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि व्यास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा पांच पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी जो कि गर्भवती थी उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसीलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं खुद उसे जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे, साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आते रहेगी
और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार के बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आया। अश्वत्थामा की हालत देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने की अपील की, मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल ले और द्रौपदी को दे दे। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी मां के गर्भ में यह कौन घुस गया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख वह रोने लगी। उसने भगवान कृष्ण से कहा, ये नारायण, आपने तो कहा था कि मेरा बेटे पर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा और वह जीवित ही पैदा होगा। वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, लेकिन यह तो मरा हुआ है। इसे जीवित करने की कृपा करो प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी न हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने मृत बालक पर अमृतमयी नजरें डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, न ही कभी अधर्म का साथ दिया है, को अभी इसी समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा हुआ है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद कृष्ण ने जब उस मृत बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देख सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक कुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था। वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वे भी खुशी से झूम उठे। इस खुशी में उन्होंने हाथी, छोड़े, अन्न, गाय आदि दान दिए। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी व दानी होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि जीवन में एक ऋषि का शाप पाकर गंगा के तट पर यह श्री सुखदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हुए और उन्हें दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया। अपनी मां के कोख में ही परीक्षित का दर्शन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते वह उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था, इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के चार बेटे हुए, जिनमें एक जनमेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे चार अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए तब परीक्षित ने उनका कार्यभार और शासन संभाल लिया। एक दिन वह जंगल में सैर करने को गए थे, तभी वे थक हार कर एक ऋषि समिका के आश्रम में चले गए। वे बहुत प्यासे भी थे। उन्होंने देखा ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनके सामने कई बार प्रणाम किया, लेकिन ऋषि पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इस पर नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ डाल दिया। इसके बाद जब ऋषि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन तुम्हारी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के मिलने के बाद परीक्षित ने राजकाज त्याग कर बेटे जनमेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिन के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए, जहां उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब सुखदेव चले गए तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नागवंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया।
उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जनमेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठान ली, जिसमें वह सारे सर्पों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बनाई। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र के पास गए। इधर जनमेजय ने सर्पों को यज्ञ में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में सर्पों की तरफ बृहस्पति भगवान को नीचे जनमेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। आपको बता दें कि जनमेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायना के द्वारा जनमेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी कार्य को छल कपट के साथ नहीं करना चाहिए, इससे हमारा बुरा ही होता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, उशीनगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों ना देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गए। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या यह उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुंचे और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुन राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी, ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूं, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा, अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूं तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पल्लढ़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई।
इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहां से गायब हो गए। शिवी चक्रवर्ती की कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ डाहना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है, भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक घमासान युद्ध चला था। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे तो दूसरी ओर छल कपट और धोखा देने में माहिर कौरव। उन्होंने छल से युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति बनाई। उनकी योजना थी कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लेंगे। अब युद्ध वाले दिन कौरव सेना की एक टुकड़ी अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें रणभूमि से दूर ले गई। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जबकि पांडवों में सिर्फ अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। अर्जुन के दूर जाते ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारते हुए कहा कि या तो युद्ध लड़ो या फिर हार मान लो। युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध लड़ना जरूरी था। यदि युद्ध न करते तो भी हार जाते और युद्ध करते तो भी हार निश्चित थी। अब धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें और क्या न करें। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक खड़ा हुआ और कहा, काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु अभी मात्र 16 वर्ष का ही था, लेकिन सभी जानते थे कि वह युद्ध कौशल में अपने पिता के जैसा ही निपुण है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना किया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना और उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तो पिता ने मां को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताया था। बस तभी मैंने इसे सीख लिया था। मैं आगे रहूंगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। हार मानकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की बात मान ली और सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे अभिमन्यु था और बाकी सब उसके पीछे। अभिमन्यु को रणक्षेत्र में देखकर कौरव मजाक उड़ाने लगे कि यह छोटा बालक क्या युद्ध करेगा, लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो उनके पसीने छूट गए। आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि चारों भाई चक्रव्यूह में प्रवेश न कर पाए। अभिमन्यु आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके सभी योद्धाओं का हरा दिया, जिनमें स्वयं दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोण भी शामिल थे। किसी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तभी कौरवों के सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। किसी ने उसका धनुष तोड़ दिया तो किसी ने रथ। इसके बावजूद अभिमन्यु नहीं रुका। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े महारथियों के साथ वीर अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, लेकिन वह अकेला कब तक लड़ता। अंत में सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ का वध कर देगा। आज शूरवीर अभिमन्यु का नाम कर्ण और अर्जुन से भी पहले सम्मान के साथ लिया जाता है। द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वारणावर्त नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए उन्होंने महल के अंदर सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहां से निकलकर वो सभी जंगल में पहुंचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहां पर पहरा देता हूं। उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि उसे भूख लग रही है। वह किसी इंसान को पकड़कर लेकर आए।
भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहां वहां घूमकर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर भीम पर पड़ी और वह भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इस महापुरुष से ही करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। यह विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बदलकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता उसके राक्षस भाई को चला तो वह अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई जिसमें राक्षस मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई भी नींद से जाग गए। हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह करने का प्रस्ताव दिया जिसे भीम ने ठुकरा दिया, लेकिन माता कुंती के समझाने पर हां कर दी। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना तय हो गया, उस समय घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध किया। घटोत्कच ने अपनी मायावी विद्या और पराक्रम से कौरवों की सेना में खलबली मचा दी। कौरवों की सेना में अलंबुष नाम का एक राक्षस था, वह भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच और अलंबुष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच ने उसका वध कर दिया। दुर्योधन और घटोत्कच के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच की वीरता देखकर दुर्योधन भी घबरा गया था। जब दुर्योधन को घटोत्कच को हराने का कोई मार्ग नहीं सूझा तो उसने कर्ण से उसका वध करने को कहा। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया। ये देखकर पांडव सेना में शोक छा गया, लेकिन श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गए। जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की शक्ति थी उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। अब अर्जुन को कर्ण से कोई खतरा नहीं है। श्रीकृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज घटोत्कच नहीं मरता तो एक दिन मैं ही उसका वध कर देता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। मित्रों, यह कहानी ऐसे योद्धा की जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े थे और इस बात का पता सिर्फ माता कुंती को ही था। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था, इसलिए लायक लाज के डर से कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था। लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले कैसे हो गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था और वह सिर्फ राजकुमारी थी। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा पूरे एक वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के पिता के महल में अतिथि के रूप में ठहरे। कुंती ने एक वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। राजकुमारी की सेवा से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना वरदान की परीक्षा की जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना करके उन्हें बुला लिया। सूर्य देव के आने और वरदान के प्रभाव से कुंती विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली था। साथ ही जन्म के समय से ही उस शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल थे। कुंवारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति के कारण लोकलाज के डर से कुंती ने उसे एक डिब्बे में बंद करके नदी में बहा दिया। बक्सा एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश और उसका लालन पालन करने लगे। यही सूर्य पुत्र आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाए और कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांचों पांडवों के सामने वह एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में खड़े रहे। यह महाभारत काल की बात है जब भारत के एक जंगल में एकलव्य नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अनुशासित बालक था और उसके माता पिता ने उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ की थी। एकलव्य की धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, लेकिन जंगल में इसके लिए साधन उपलब्ध नहीं थे।
इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य उन दिनों राजकुमारों अर्थात पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे और उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। जब एकलव्य अपना निवेदन लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे अपनी विवशता बताकर वापस भेज दिया। इस पर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने यह प्रण लिया कि वह द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। शारीरिक रूप से गुरु की अनुपस्थिति के चलते उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने तीर कमान चलाने का अभ्यास करने लगा। देखते ही देखते वह एक उम्दा धनुर्धारी बन गया। एक दिन की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करने जंगल की ओर आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एकलव्य भी जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते को जंगल के एक ओर से आवाज आई तो वह उस ओर जाकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इस वजह से कुत्ते को चुप करवाने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में कुछ इस प्रकार बाण चलाए कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे कोई चोट भी आई। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास भाग गया। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा धनुर्धारी कौन है जिसे धनुष बाण की ऐसी विद्या आती है। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके सामने हाथ में धनुष लिए एकलव्य खड़ा था। अपने गुरु को देखकर एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने यह विद्या किससे सीखी, तो एकलव्य ने बताया कि वह किस प्रकार उनकी मूर्ति के सामने प्रतिदिन अभ्यास करता है। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हुए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धारी कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य की विद्या उनके इस वचन में बाधा बन रही थी। ऐसे में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स, तुमने मुझसे शिक्षा तो ले ली, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा तो अभी तक नहीं दी है। आदेश करें गुरुवर, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एकलव्य ने कहा। एकलव्य की बात का जवाब देते हुए द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपनी कृपाण निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। इस घटना की वजह से एकलव्य का नाम एक आदर्श शिष्य के रूप में आज भी याद किया जाता है। वीर एकलव्य की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो उसे हासिल करने के बीच में आने वाली कोई भी बाधा अहमियत नहीं रखती। सदियों पुरानी बात है, पांचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव मुनि का भेष धारण करके पांचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रह रहे थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेद व्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय उन्हें रास्ते में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसके साथ वो ब्राह्मण का भेष धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बीड़ी डेढ़े भाई बलराम और गणमान्य यदुवंशियों के साथ बैठे हुए थे। सभा की एक ओर सभी कौरव भी विराजमान थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानाए का स्वागत किया। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थीं। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद, इस स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता है। मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूं कि आप सभी यहां मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आप सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई नकली मछली लटकती दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है,
जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुर्धारी प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर सभी राजा बारी बारी आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुशासन, दुर्योधन और अन्य कौरवों का भी नाम शामिल था। अंत में पांडवों की बारी आई। उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में तीर निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगा दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाल डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न है और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुणयुक्त पति चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से 1 ही पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री रही होगी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहां बोलना है। महाभारत के सभा पर्व में मिले वर्णन के अनुसार इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हस्तिनापुर से दुर्योधन अपने बंधु बांधवों सहित उपस्थित हुआ। इस यज्ञ में दूर दूर देशों के राजा महाराजा भी आए हुए थे। यहां पर दुर्योधन को महल के निरीक्षण के समय तब उपहास का पात्र बनना पड़ा। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में भ्रमण करता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा। वहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। उसके बाद वह सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा और एक स्थान पर वह गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ। फिर स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्रों सहित जल में गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पर हंसने लगे। दुर्योधन उपहास नहीं सह सका। महाभारत के सभा पर्व में इस घटना का इतना ही उल्लेख है। इस ग्रंथ में यह कहीं वर्णित नहीं है कि महारानी द्रौपदी राजा दुर्योधन को कहीं मिली और उन्होंने उनका उपहास किया। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि सखी, मैं देखती हूं कि तुम्हारे पति पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वे सभी तुम्हारे अधीन हैं। सो आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मेरी सखी हो इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूं। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूं। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूं। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, उनसे कड़वी बातें नहीं कहती हूं, बुरी जगह पर नहीं बैठती, बुरे आचरण को अपने पास भी नहीं फटकने देती, उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूं। चाहे कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूं, उनके नहाए बिना मैं नहीं नहाती। जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूं। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, समय पर भोजन बनाती हूं और सभी को प्रेम से खिलाती हूं। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते, सेवन नहीं करते हैं, उनसे मैं भी दूर रहती हूं। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूं। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूं। कहते हैं किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है।
द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है, फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना। द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। जयद्रथ की नजर आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वह उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है? या तुम कोई दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराज द्रुपद की पुत्री कृष्णा हूं और मेरे पति पांडव हैं, यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास कुछ भी नहीं है, वे अब वनवासी हो गए हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे धिक्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडवों को नहीं जानता, वे तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे सामने रोने को तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं रोऊंगी। एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे, जब भीम तेरी तरफ गदा लेकर दौड़ेंगे, जब नकुल और सहदेव तुझ पर टूट पड़ा ढेंगे, तब तुझे पश्चाताप होगा। यह सुनते ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। जब पांडव फिर से आश्रम पहुंचे तो दासी ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। यह सुनकर पांचों पांडव द्रौपदी की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने द्रौपदी को जयद्रथ के रथ पर बैठे देखा तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने जयद्रथ और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना डरकर भाग गई। अपनी सेना का यह हाल देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतारा और भाग गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।